अगर आपकी भी दाढ़ी नहीं आ रही है तो आप प्याज से दाढ़ी कैसे उगा सकते हैं, यानी प्याज अनियन का यूज कैसे किया जाता है, कैसे आपकी दाढ़ी आती है, किस तरह लगाया जाता है, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे पास कमेंट्स करते हैं, सर हमको ये प्रॉब्लम है, और बहुत से लोग ट्रीटमेंट्स भी पूछते हैं, सर कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ करना चाहिए। तो पहले हम कमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, फिर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये कमेंट बोल रहा है, भाई भाई ऑनियन का ऑयल ज़्यादा हो गया है, मैं एक बोतल के अंदर रखना है, यस और नो? हाँ, अगर आपका ऑनियन का ऑयल या ऑनियन का रस अगर ज़्यादा हो गया तो आप एक बोतल में रख सकते हैं और उसको आप एवरी डे नाइट में डे में आप यूज़ कर सकते हैं, कंटिन्यू बेड पर लगा के 1-2 मिनट तक मसाज करके आप उसको लगा के सो जाए। सो के फिर जब सुबह आप उठे, सुबह आप उठ के आपकी जो बियर्ड है उसको आप वॉश कर सकते हैं। सेकंड कमेंट है, सेकंड कमेंट में ये भाई बोल रहे हैं, भाई मेरी दाढ़ी में 1-2 बाल हैं और चेहरे पूरा क्लीन है, माई एज 20, प्लीज हेल्प करो। यानी इनके 20 साल एज है और चेहरे पे 1-2 बाल है। तो भाई आप भी प्याज का रस यूज़ कर सकते हो। प्याज अनियन जो होता है उसमें सल्फर की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, जिससे कि आपके फेस का बैठ का सर्कुलेशन तेज हो जाता है और आपकी दाढ़ी की या फिर बालों की ग्रोथ होने लग जाती है। तो आप प्याज से भी दाढ़ी उगा सकते हैं, बहुत सस्ता तरीका होता है और बहुत अच्छा तरीका होता है। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपकी डेफिनेटली 3 से 4 महीने में फुल बियर्ड ग्रोथ हो जाएगी, चाहे आपके हेयर फॉल हो गया हो, बियर्ड नहीं आ रही हो, तो आप आपकी हेयर से ग्रोथ करने के लिए, ब्लड का सर्कुलेशन को तेज करने के लिए आप प्याज का यूज़ कर सकते हैं। अब इसको लगाने का क्या तरीका होता है, इसको आप कई तरीके से लगा सकते हैं। आपके पास एक प्याज होगा, उसको आपको काट कर एक पीस रोज काट के रोज लगाना है, या फिर आप उसको मिक्सी से पीस के उसका जो रस है उसको आप किसी कपड़े से छान के उसका जो पानी है रस है उसको आप रोज आपकी दाढ़ी पर लगा सकते हैं, या फिर जो बहुत से आपको अनियन ऑयल मिल जाएंगे जिसका यूज आप कर सकते हैं। तो प्याज का यूज आप डेफिनेटली करके देखिए, एक बार आपकी बियर्ड बहुत अच्छे से आएगी और आपकी दाढ़ी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इससे क्या साइड इफेक्ट नहीं होती, ये होम ट्रीटमेंट होता है, आप किसी भी एज के और कोई भी इसका यूज कर सकता है बालों की प्रॉब्लम्स के लिए। तो आप इसका यूज करके मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। देखो, एज मैटर नहीं करती, अगर आप होम ट्रीटमेंट्स करते हो तो आप जब भी दाढ़ी उगाना चाहो तब आप उगा सकते हैं घरेलू उपचार में, बट जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं उसमें एज मैटर करती है, क्योंकि उसमें केमिकल ज़्यादा होता है जो कि आपके फेस को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप प्याज का रस किसी भी एज वाले यूज़ कर सकते हैं, और आगे अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना सकूँ। आइए, वीडियो आपको अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।